हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पैराडाइज बर्ड्स इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल और मैं अदील हैदर। जिस तरह से आप लोगों के लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं, तो भाई इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आने वाला है। आज से जो हमने एक चीज शुरू करी है, एक पैरेट को लेंगे हम और उसके बारे में आपको सारी डिटेल बताएंगे। उसकी मेल कैसी टॉकिंग करती है, फीमेल कैसी टॉकिंग करती है, इनकी ब्रीडिंग का सीजन क्या होता है, ये मैक्सिमम कितने बच्चे निकालते हैं और कम से कम कितने बच्चे निकालते हैं। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले यार, 85% लोग चैनल देख के सब्सक्राइब नहीं करते यार। इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है हमारी और बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो सिला दिया करें भाई को मेहनत का, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके वीडियो को शेयर करा करें। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, आज हमने लिया है रिंग नेक पैरेट। रिंग नेक पैरेट जिसको काठा भी बोलते हैं, हरा मिट्ठू भी बोलते हैं, छोटा तोतू भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। तो इसकी सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि इसकी ब्रीडिंग जो है वो गर्मियों में थी, लेकिन अब इसके दो सीजन होने लगे क्योंकि लोगों ने इतना पकड़ पकड़ के पाकिस्तान में इनको केज वाइज कर दिया कि सर्दी गर्मी में दोनों में इनकी ब्रीड आती है, ठीक है। इनके जो बच्चों का जो मतलब रेशियो है वो ये है कि 3 से 4 बच्चे 5 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप निकालते हैं। छोटे बच्चे अगर आप 15 दिन के उठा लेते हैं तो 2 ब्रीड और 3 ब्रीड भी कर जाते हैं। दूसरा आ जाते हैं इनकी एज, मतलब किस एज में ये ब्रीड करते हैं। ये जो ब्रीड करते हैं अपना, कम से कम इनकी एज 2 साल होनी चाहिए। बाकी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि नहीं, हमें छोटा जोड़ा चाहिए, पट्ठा जोड़ा चाहिए, उसमें टाइम लगता है। आप इनकी एज, जिन पैरेट की एज ज़्यादा होती है, मतलब 25-30 साल, वो कितना भी बड़ा लें अच्छा है, जितना बड़ा होगा उतनी अच्छी ब्रीड करेगा। अब सबसे मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि इनकी टॉकिंग। भाई रिंग नेक जो होता है वो सबसे दबंग टॉकिंग पैरेट होता है, मतलब जो सामने सामने टॉकिंग करता है। अच्छा, कलर रिंग नेक भी मैंने इसीलिए बिठाया हुआ है कि इनके भी तकरीबन सेम है, लेकिन ये सर्दी में ब्रीड करते हैं, लेकिन टॉकिंग का जो है इनका सिस्टम सेम है कि बहुत अच्छी इनकी सीखने की जो है वो कैबलरी होती है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम होता है। मतलब जब पैरेट आपका 4 महीने का हुआ, उसके बाद वो 6-7 महीने तक सीखेगा, उसके बाद वो नहीं सीखेगा, सही है। जब वो 1 साल का हो जाएगा पैरेट, तो उसका सीखने का रेशो जो है वो 90% कम हो जाएगा, 10% या 5% चांस होंगे। अब ये ब्लू का पट्टा है हमारा, माशाल्लाह से बहुत प्यारा बोलता है, और ये चुलबुल आप हमारा देखते रहते होंगे, ये तो रिंग नेक जो है हाथ पे बैठ के टॉकिंग करता है, और रिंग नेक पैरेट जो है सामने सामने टॉकिंग पैरेट करता है। अब आ जाते हैं इसमें मेल फीमेल में क्या टॉकिंग में डिफरेंस होता है। बिल्कुल भाई, इसमें जो है फीमेल इतना नहीं बोलती है, फीमेल में जो है एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है, टॉकिंग में नहीं बनती फीमेल इसकी बनिस्बत जो है। दूसरे पैरेट के बारे में मैं बाद में बताऊँगा, अभी इसी पर रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें फीमेल टॉकिंग नहीं करती। अच्छा, अब लोगों को ये होता है कि भाई रिंग नेक का जो है, मगर इतना सा बच्चा लेंगे तो वो हमारे साथ बॉन्ड होगा, बाकी अगर हम उसका बड़ा बच्चा लेंगे तो वो बॉन्ड नहीं होगा। आप लोगों के दिमाग में जो है ये भी गलत बात है। अगर पैरेट प्रॉपर टेम है, अगर आपने वो किसी रिलायबल बंदे से लिया है, मार्केट में चलते फिरते से नहीं, आप मेरी वीडियो देखेंगे, मैं परिंदा नहीं पालूंगा, अगर उनसे आप पैरेट लेते हैं 3-4 हज़ार का, तो वो पैरेट बेकार होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है रिंग नेक पैरेट की जो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस है वो 8,000 रुपये पर चिक की प्राइस ऑफ सीज़न में। ऑन सीज़न में जो है 3,500 से 4,000 का आपको बच्चा मिल जाता है। जब 3,500 से 4,000 का बच्चा होगा तो बड़ा आपको 4,000 का टेम कैसे मिलेगा, नहीं मिलता। टेम दाना अगर मिलेगा आपको नर 6-8 महीने का, तो वो 12 से 15 हज़ार रुपये का मिलेगा, अच्छा दाना, सही है। इसी की बनिस्बत अगर फीमेल होगी तो फीमेल सस्ती मिल जाती है, 6,000 की 7,000 की मिल जाती है, बड़ी हो, टॉकिंग में हो, कैसी भी हो, सही है। तो देखिए, ये सीरीज शुरू करने का यही था कि आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो हर बर्ड्स के बारे में। मैं इंशाल्लाह अलग बनाऊंगा वीडियो के लाइक और कमेंट्स बताएंगे कि और कौन कौन से पैरेट के बारे में मैं बनाऊं इसके बाद। इसके लिए मैंने आपकी पूरी डिटेल बता दी। इसका सीज़न जो है, 2 सीज़न होते हैं इसके, सर्दी गर्मी दोनों में ब्रीड करता है ये, ठीक है। वाइल्ड पैरेट जो होता है वो ज़्यादातर गर्मी में ब्रीड करता है। टॉकिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, आपके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। खाने पीने में जो है ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे फेवरेट इनकी खुराक होती है हरी मिर्चें, पतली वाली हरी मिर्चें, वो आप दें तो वो बहुत शौक से खाते हैं। उससे इनकी जो है वो मतलब बोलने की लुकनत वो भी साफ़ होती है। रोटी पराठे वगैरह ये कम देने चाहिए, मतलब हफ्ते में 1-2 बार अगर आप दे दें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो थोड़े से ऑयल और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है इनका वो बढ़ा देते हैं पराठे वगैरह।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो के लिए मुझे मेरे प्यारे प्यारे से पैरेट को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।